पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल अपनी रामकथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत चर्चित हो रहे हैं। कुछ एक विवादित बयान को लेकर भी उनकी चर्चा हो रही है। कहते हैं कि वे उनके दादाजी की तरह छतरपुर के एक गांव गढ़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाने लगे। उनके अनेक लोग इस दरबार के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। धीरे धीरे वे सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रिय हो गए। बताया जा रहा है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी के भी नाम को लेकर उन्हें बुलाते थे और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम पते सहित उसकी समस्या लिख लेते और उसी में उसका समाधान भी लिख लेते। लोग आश्चर्य करने लगे कि यह व्यक्ति किस तरह दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कहते हैं कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है, बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की लेकिन वह यह रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर यह व्यक्ति कैसे लोगों के मन की बात जान लेता है। छोटे से गांव गढ़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दूसरे शहर में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना संभव नहीं, इसीलिए अब हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं ताकि लोगों को असुविधा न हो। हमारा यह दरबार निशुल्क है, किसी भी तरह के शुल्क नहीं लिया जाता। मंदिर में या रामकथा में जो भी पैसा मिलता है उसे हम गरीब बेटियों की शिक्षा में और शादी में खर्च कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, यानी बागेश्वर धाम सरकार का। दोस्तों, अगर आपकी बागेश्वर धाम सरकार में आस्था है तो आपसे निवेदन है कि नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो ज़रूर दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपको देखते मिलते रहें। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे तो अब वे रामकथा भी कहने लगे हैं। जगह जगह जाकर वे रामकथा कहते हैं, लोगों को हनुमान जी के भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। रामकथा के दौरान ही वे कुछ ऐसा भी बोल जाते थे जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। हाल ही में उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं को ये कहा है कि जाग जाओ और एक हो जाओ, अगर तुम अभी नहीं जागे तो यह तुम्हारे अपने गांव से भागना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर बुलडोजर चलवाओ। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ब्रिटेन गए थे जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसद और वहां के भारतीय समुदाय के बीच रामकथा का वाचन किया और प्रवचन दिया। अब उनकी लोकप्रियता देश ही नहीं विदेश में भी होने लगी है। पंडित शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर के छोटे से गांव ग्राम गढ़ा में हुआ। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिताजी के पास उनको वृंदावन में कर्मकांड की पढ़ाई कराने के लिए 1000 रुपये भी नहीं थे। सभी से उनके पिताजी ने पैसे मांगे लेकिन उनके पिताजी को भी किसी ने पैसे नहीं दिए। बड़ी मुश्किल हालतों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 8वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर गंज जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर बाद में बीए प्राइवेट किया। लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास हुआ और वे भी लोगों के दुख दूर करने के लिए दादाजी की तरह ही दिव्य दरबार लगाने लगे। हालांकि 9 वर्ष की उम्र से ही वे हनुमान जी महाराज की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो गई। छतरपुर के पास गढ़ा में बागेश्वर धाम है जहां पर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही महादेव जी का भी मंदिर है। मंदिर के पास ही उनके दादाजी का समाधि स्थल और उनके गुरुजी का समाधि स्थल है। यहाँ पर मंगलवार को अर्जी लगती है।
अर्जी लगाने के लिए लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर की राम नाम जप करते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार में आपकी अर्जी जल्दी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम लिखना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय बागेश्वर धाम सरकार।